नमस्ते हिंदुस्तान, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है ए टू जेड एक्सप्लोर ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं करोल बाग यानी टिप टॉप मार्केट। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, टिप टॉप मार्केट हम जा रहे हैं। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे उतरने के बाद इस तरीके से आप लोगों को ई रिक्शा मिल जाएगी और ई रिक्शा वाले को आप बोल सकते हो कि हमें टिप टॉप मार्केट जाना है तो क्या आप हमें छोड़ देंगे। तो वह हार्डली आपसे 1% 20 रुपीज़, कुछ 10 रुपीज़ ले रहे, कुछ 20 ले रहे हैं, तो आप वो बार्गिंग कर सकते हैं, वरना 20 रुपीज़ में तो आसानी से ले जाता है। मैंने बीच में से जब हम गुजर रहे थे तो छोटा सा क्लिप लिया था ये दिखाने के लिए कि अगर आप यहाँ आए तो अगर कोई भी ई रिक्शा वाला आपको घुमा के ले जाता है तो आपको ये आइडिया रहे कि हम यहाँ से निकले थे इस टाइप से, तो आप भूले नहीं। ई रिक्शा वाला आसानी से मतलब लेके चला गया था बिना किसी घुमाने फिराने की वजह से। कई बार क्या होता है, लंबा दिखाने के लिए ई रिक्शा वाले चल देते हैं। टिप टॉप मार्केट स्पेशल है आपके लिए, होम डेकोर के लिए। थोड़ा सा कॉस्टली है बट ये होता है कि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता। तो ये शॉपिंग सेंटर टिप टॉप ऊपर लिखा हुआ आप देखेंगे, नीचे इसमें जो बेसमेंट में है उसमें क्रोकरी आइटम है। आप क्रोकरी के शौकीन हैं तो आप नीचे जाके क्रोकरी ले सकते हैं। वैसे ये लोग वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, फिर भी मैंने बना ली है। हमें चाहिए थी क्लॉक, मतलब दीवार घड़ी चाहिए थी, वॉल क्लॉक, हम इसलिए उसी के पर्पज़ से गए थे। यहाँ पे कुछ डेकोर आइटम थे, रेंज काफ़ी अच्छी थी, मतलब हाई थी पूरी। स्टार्टिंग भी 1500-1600 से थी, लेकिन जिनको ये लगता है कि हम इधर उधर मार्केट में घूमना नहीं चाहते, भागना दौड़ नहीं करना चाहते, उनके लिए ये पूरा एक तरीके से मॉल टाइप था शॉपिंग सेंटर का, अच्छे वाला पूरा, तो वो यहाँ आकर ले सकते हैं। जो लोग बंजारा मार्केट जाते हैं तो उसके मुकाबले यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी थी। क्वालिटी थी, दीवार पे लगा के आपको शोपीस दिखा रखे हैं तो आप एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का है, हमारी जो वॉल है उस पे ये कैसा लगेगा, हर एक तरीके का। सामने जो आप ट्री देख रहे हैं वो 7000 समथिंग का इन्होंने बताया, तो उसके हिसाब से इन्होंने कहा था थोड़ा बहुत बार्गिंग हो जाता, मतलब बार्गिंग का मतलब 100-200 रुपये ही, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसके अंदर लाइट है, पेड़ के ऊपर बटरफ्लाई मंडरा रही है गोल्डन और ब्लू कलर की, तो लुक काफ़ी अच्छा आया हुआ था। क्लॉक है वही 3000-2000, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं थी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो आप इसका थोड़ा सा व्यू आप देख सकते हैं, दीवार पे हैंगिंग करने के लिए डेकोर आइटम बहुत अच्छे अच्छे थे। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने इसकी छोटी सी क्लिप ली थोड़ा सा छुपाकर। ये भी आप इसके अंदर कुछ सामान वगैरह डाल सकते हो, गिफ्ट आइटम देख लो 1050 का, थोड़ा कॉस्टली है बट अच्छा था। 175 के ये छोटे छोटे बॉक्सेस रखे थे, आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं कुछ भी तो इसके अंदर डालकर कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे ही थे, जितना दिखाई दे रहा सिर्फ इतना ही मान के चलिए। देख लो काफ़ी सुंदर थे, इस तरीके से ये फ्लावर पॉट रखे हुए थे, जैसा भी आप बोले। ये पुराने टाइम का लैंप है, मतलब कि पुराना तो नहीं है बट उससे सिमिलर बनाया हुआ है। कान्हा जी है, जय हो कान्हा जी की, राधे राधे, तो काफ़ी अच्छे थे। भैया ने ज़्यादा बड़ा सा लेने नहीं दिया, मना कर दिया था कि बस इतना ही आप ले लीजिए। ये पूरा मॉल मैंने बार बार से बनाया, कोई भी शॉपकीपर पिक लेना या फिर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं कर रहे थे, पर फिर भी अच्छा था सब कुछ, काफ़ी सुंदर लग रहा था। 5000-7000 की क्लॉक थी, काफ़ी कॉस्टली थी। तो काफ़ी अच्छा सेंटर था, ये नहीं था जो लोग इधर उधर की मार्केटों में जाना पसंद नहीं करते, तो पूरा एक ऊपर से नीचे तक शॉपिंग सेंटर है और काफ़ी बड़ा, एक आप विशाल समझ लीजिए, विशाल कितने बड़े बड़े होते हैं, इस टाइप का था ये। इन्होंने काफ़ी अच्छे से मतलब कि एडजस्ट किया हुआ था इनको, ये वॉल पे मिरर था और ये सारी की सारी मतलब कि धातु की जो मूर्तियां थी अपनी
काफ़ी सुंदर थी ये डेकोर के लिए, बहुत सुंदर। मैंने मतलब मैंने इसका क्लिप भी इसलिए लिया कि काफ़ी सुंदर लग रही थी, एकदम ऐसा नहीं था कि हल्की फुल्की थी, धातु की थी इसलिए। यह आगे ना गफार मार्केट के आगे ये पूरा होलसेल का मार्केट है, पूरा का पूरा, जहाँ पे शूज़ मिलते हैं। अगर आप शॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप, ये सारा का सारा करोल बाग के अंदर ही है, यहाँ आसपास की गलियों में है, कहीं दूर नहीं है। अगर आपको कुछ पसंद आता तो किसी किसी बोर्ड में शॉपकीपर के नंबर आए हुए हैं, आप मार्केट पूछ सकते हैं यहाँ के, और अपना शॉप खोल सकते हैं, बिजनेस पर्पस कर सकते हैं। एक से एक अच्छी सुंदर शूज़, सैंडल, बच्चों के, बड़ों के, सबके थे। एक सिंगल यहाँ नहीं मिलता है, आप अगर जाओगे तब भी आपको सिंगल नहीं देंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हो, और दुनिया भर के लोग आते हैं। आप बाहर देख रहे होंगे ना, पैकिंग पे पैकिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये हमने एक क्लॉक ली है जो काफ़ी अच्छी है, रेंज वाइज तो है ही अच्छी, लेकिन गिफ्ट पर्पस से भी काफ़ी अच्छी है। ये वाली भी बहुत सुंदर थी दीवार पर लगाने के लिए, समथिंग ये वाली 2600 रुपये की थी दोनों, तो रेंज काफ़ी अच्छी थी, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं हमने लिया वो भी काफ़ी अच्छी रेंज की। आप इन आइटम्स को देखो, और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा हमें भी आगे बढ़ा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।